मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। मुस्लिम छात्रों के हॉस्टल के लिए दी गई जमीन आवंटन का सांगानेर में भाजपा और हिंदू संगठनों ने किया कड़ा विरोध। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भले ही कहे सबका साथ सबका विकास, मगर किसको साथ लेना है और किसको भगाना है, ये तो उनकी अपनी पार्टी, उसके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, इनकी कृति से ही सामने आता है। आइए इनकी कृति क्या है बताते आपको। मुस्लिम विरोधी जो एजेंडा है इनका, ये इस तरह के नारे लगा करके और जो विदेशों में हिंदुस्तान के बारे में जो मैसेजेस इनकी वजह से जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए। जयपुर के सांगानेर से हम आपको खबर बता रहे हैं। यहां पर एक जमीन जो है वो मुस्लिम छात्रों के हॉस्टल के लिए आवंटित की गई है। पहले ये जमीन स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को दी है और उसी के तहत यहां पर मुस्लिम छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। मगर इस निर्णय के विरोध में गुरुवार 18 मई को सांगानेर बंद का ऐलान किया गया। किस तरीके से बंद रखा गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के बाहर भाजपा के सांसद, जयपुर के सांसद है रामचंद्र बोहरा, सांगानेर के भाजपा के स्थानीय विधायक है अशोक लाहोटी, इन दोनों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद संगठन, अन्य हिंदुत्ववादी संगठन, इन सब ने मिलकर के यहां पर धरना प्रदर्शन किया, प्ला कार्ड लहराए। मुस्लिम छात्रों के लिए जो हॉस्टल के लिए जमीन आवंटित की गई है उसका आरक्षण, उसका ये आवंटन रद्द करने की उन्होंने मांग की। किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन रहा है, सबका साथ सबका विकास। Thank you.